सब अपने कैमरास ऑन कर लो, स्टार्ट करिए चैप्टर। सेकंड चैप्टर विद द फोटोग्राफ। तुम लोगों को स्क्रीन विजिबल है? जिसके पास बुक यस नहीं मैम। है, विजिटर है, एक सेकंड, किसी को एडमिट होना। विद द फोटोग्राफर जो चैप्टर है वो लिखा है स्टीफन लिकॉक ने, एंड आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, आई सेड। बोलो, कुछ बोलना है किसी को? अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले चलो ये बताओ कि फोटोग्राफ लेने का प्रोसेस क्या होता है, मतलब फोटोग्राफ किस तरह से ली जाती है, फोटोग्राफर कैसे लेता है फोटोग्राफ। जो तुम अपनी फोटोज क्लिक करा के आते हो, तो फोटोग्राफर फोटोज लेता कैसे है, प्रोसेस क्या होता है? मैम लाइट्स होते हैं, बैकग्राउंड होता है, मेरे को और एक पता पोज। मैम। बताओ, जिसको पता है बताओ प्रॉपर मैनर में, मैम युगल बताओ। बता, फोटोग्राफर के पास जाते हैं, उसका बैकग्राउंड पूरा व्हाइट होता है एंड लाइट्स लगी होती हैं, और उसको फोटो के लिए बोलते हैं, वो सिंपल फोटो क्लिक करता है। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या करता है फोटो क्लिक करने के बाद? वो हमें सेंड करेगा या जो निकाल के देगा, जैसे स्टूडियो से करवाते हैं तो। अच्छा, और कोई सबसे पहले जिस पर्सन की फोटोग्राफ लेनी है उसको वो स्टूल या चेयर या किसी भी चीज पे जो कंफर्टेबल होगी उस पे बिठाते हैं। फिर कैमरा को क्या करते हैं, आपके फेस के ऊपर फोकस करते हैं जिसकी फोटोग्राफ लेनी है, राइट? देन फोटोग्राफर क्या करता है, अपने लेंस से उस पर्सन के फेस की तरफ देखता है, ठीक है? उसके बाद वो अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है कैमरा की, ताकि जो पर्सन का फेस है वो प्रॉपरली जो है आ सके और उसकी फोटोग्राफ अच्छे से ली जा सके। और जैसे ही वो क्लिक करता है तो क्या होता है कि जो लाइट होती है तुम्हारे फेस के ऊपर जो है डलती है, और जब सब कुछ पोजीशन में होता है तो फोटोग्राफर एक फाइनल डायरेक्शन देता है तुम्हें, जो है अपना पोज जैसे भी तुम्हें एडजस्ट करना है, और फिर उसके बाद जो है प्रेस कर देता है वो अपने कैमरा का अपर्चर। तो कैमरा से फोटोग्राफ क्लिक हो जाती है, बट फाइनल फोटोग्राफ रेडी करने से पहले भी बहुत सारे प्रोसेस उन्हें करने पड़ते हैं। जैसे फोटोग्राफ को जो वो डेवलप करते हैं उसको फिक्स किया जाता है कुछ केमिकल्स का यूज़ करके। एंड कुछ केसेस में फोटोग्राफर क्या करते हैं कि अगर आपकी फोटोग्राफ प्रॉपर नहीं है तो उस पर रीटचिंग देते हैं, है ना, और उसके बाद तुम्हें हैंड ओवर कर देते हैं फाइनल फोटोग्राफ। तो ये प्रोसेस होता है फोटोग्राफ लेने का, राइट? हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद द फोटोग्राफर। अब विद द फोटोग्राफर चैप्टर में वो कह रहे हैं, फर्स्ट स्टैंजा, आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन। अब जो पर्सन था वो कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मेरी फोटोग्राफ जो है ली जाए। आई सेड, द फोटोग्राफर लुक्ड एट मी विदाउट एंथुसियाज्म। फोटोग्राफर जो था उसने मेरी तरफ देखा लेकिन बिना किसी एंथुसियाज्म के, मतलब वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। जैसे जब फोटोग्राफर तुम्हारी फोटो लेता है तो अगर सपोज करो तुम्हें पोज नहीं करना आता, या तुम्हें नहीं पता कि मुझे किस तरह से बैठना है, या मुझे कैसी फोटो मेरी अच्छी आएगी, तो वो तुम्हें जनरली गाइड कर देता है कि हाँ आप इस तरह से बैठो या ऐसे करो या इधर देखो। बट ये जो फोटोग्राफर है ये बिल्कुल भी एंथुसियास्टिक नहीं था। ही वॉज अ थिन मैन इन ग्रे सूट। तो कह रहे ये पतला दुबला सा आदमी था जिसने ग्रे कलर का सूट पहना था, विद द डिम आईज ऑफ अ नेचुरल साइंटिस्ट। और इसकी आईज भी बिल्कुल भी उनमें मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। बट देर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम। बट ये पर्सन क्या सोच रहे हैं जो अपनी फोटोग्राफ के लिए गया है उसके पास, कि कोई जरूरत नहीं है डिस्क्राइब करने की उसको, क्योंकि ऐसा उसने क्यों सोचा कि इस पर्सन को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो क्यों कह रहा है? बट देर इज नो नीड टू डिस्क्राइब हिम। बताओ, क्योंकि मैम सबको पता होता है कैमरा मैन कैसा दिखता है।
बिल्कुल नहीं, सबको पता होता है कैमरामैन कैसा दिखता है, नहीं क्योंकि सबको पता होता है कि किस तरह से फोटोग्राफ लेनी है, तो इसने सोचा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफर अपने आप जो है फोटो ले लेगा। Everybody knows what a photographer is like. तो कह रहे हैं सबको पता है फोटोग्राफर कैसा दिखता है। अभी नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं सबको पता है फोटोग्राफर कैसा दिखता है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। Sit there, he said, and wait. तो फोटोग्राफर ने क्या बोला, वहाँ बैठ जाओ और मेरी वेट करो। I waited an hour, मतलब मुझे एक घंटा जो है वेट करना पड़ा। I read the Lady's Companion for 1912, और कह रहे जिस टाइम मैं वेट कर रहा था तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए वहाँ जो मैगजीन्स पढ़ी थी उन्हें पढ़ने शुरू कर दिया मैंने, जिसमें से फर्स्ट मैगजीन थी लेडीज कंपेनियन जो 1912 में पब्लिश हुई थी, एंड गर्ल्स मैगजीन फॉर 1902, और कह रहे जो गर्ल्स मैगजीन थी वो 1902 की थी, एंड द इन्फेंट्स जनरल इन 1888, और जो इन्फेंट्स जनरल थी वो 1888 की थी। आई बिगेन टू सी दैट I had done an impertinent thing in breaking it on the privacy of this man's scientific pursuit with a face like mine. तो कह रहे मुझे, मैं ये देखने लगा कि भाई मैंने एक ऐसी चीज कर दी है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्सन की प्रिवेसी यानी इस पर्सन का जो प्राइवेट जो मैटर्स हैं उसमें मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, कि मेरा जो फेस है मीन्स ये पर्सन जो है साइंटिफिक सा लग रहा है, एंड मैं इसके पास आ गया वो अपनी फोटोग्राफ खिंचाने के लिए, अपनी फोटोग्राफ क्लिक कराने के लिए, तो विद माय फेस आई एम थिंकिंग लाइक कि इस पर्सन का जो एक नॉर्मल रूटीन चल रहा था अपनी फोटोग्राफ्स के साथ उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। दो पैराग्राफ क्लियर हो गया तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। After an hour, the photographer opened the inner door. तो कह रहे हैं एक घंटे के बाद फोटोग्राफर ने अंदर वाला दरवाजा खोला। Come in, he said severely. और मुझे उसने जो है बोला कि तुम अंदर आ जाओ। But उसने थोड़ा harsh manner में बोला। I went into the studio. तो कह रहे हैं मैं अंदर स्टूडियो में गया। Sit down, said the photographer. और फोटोग्राफर ने क्या बोला कि तुम बैठ जाओ। I sat down in a beam of sunlight, filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted window. तो कह रहे हैं मैं वहाँ पर उस रूम में जहाँ पे सनलाइट आ रही थी, और सनलाइट कहाँ से आ रही थी, थ्रू अ शीट ऑफ फैक्ट्री कॉटन हंग अगेंस्ट अ फ्रॉस्टेड विंडो, मतलब एक विंडो जिस पे जो फ्रॉस्ट डिपॉजिटेड थी, जैसे जब थोड़ी बहुत जो है स्नो वगैरह होती है, या सुबह का जो टाइम होता है जिस टाइम पे विंडो जो है गीली हो जाती है, तो उस टाइम कह रहे हैं कि जो कॉटन की शीट्स थी उसके ऊपर हैंग कर रही थी और उस विंडो से सनलाइट अंदर आ रही थी। तो कह रहे हैं फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम, और फोटोग्राफर ने क्या किया, एक मशीन को रोल किया इनटू द मिडल ऑफ द रूम, और वो खुद पीछे से क्रॉल करके रेंगता हुआ पीछे से जो है आया। ही वॉज इन ओनली अ सेकेंड जस्ट टाइम इनफ फॉर वन लुक एट मी एंड देन ही वॉज आउट अगेन टियरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन। Then he crawled back into the machine. Sorry, एक लाइन मिस हो गया, I guess. He was only in a second, just time enough for one look at me, and then he was out again. तो कह रहे क्या हुआ? He was in only a second, मतलब सिर्फ एक सेकेंड जो है उसने क्या किया, एक मेरी तरफ देखा, and then उसके बाद दोबारा से अपने रूम से वो बाहर चला गया, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick. तो क्या कर रहा था, जो कॉटन शीट और जो विंडो पेन्स थे, जो कॉटन शीट विंडो पेन के ऊपर लगा रखी थी उसको एक स्टिक की हेल्प से जो है टियर करने की कोशिश करने लगा। Apparently frantic for light and air. और वो ऐसा किस लिए कर रहा था, वो किस लिए कर रहा था, जो शीट थी उसको क्यों वो स्टिक के साथ जो है टियर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था उस विंडो से थोड़ी सी लाइट और एयर अंदर एंटर कर सके, और वो ऐसा फ्रेंटिकली कर रहा था। फ्रेंटिकली का मतलब क्या होता है, बहुत डिस्टर्ब्ड मैनर में। देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन अगेन एंड ड्रू लिटिल ब्लैक क्लोथ ओवर हिमसेल्फ। और उसके बाद उसने क्या किया, क्रॉल बैक किया मशीन की तरफ, पीछे की तरफ, एंड एक लिटिल ब्लैक क्लोथ जो है उसने, लिटिल ब्लैक क्लोथ जो है उसने उस विंडो पेन के ऊपर डाल दिया। This time he was very quiet in there. तो इस time जब वो ये सब कर रहा था
मतलब वो शांत था, पहले उसने फ्रेंटिकली किया था, फ्रेंटिकली मतलब बहुत पैनिकली, जब जैसे सपोज तुम्हारा पेपर खत्म होने के लिए जब 5 मिनट रह जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा अभी भी पड़ा है, तो तुम इतनी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हो, बड़े पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो, उसी तरह से ये फोटोग्राफर भी कर रहा था. आई न्यू ही वॉज प्रेइंग, आई केप्ट स्टिल. तो कह रहा है कि मुझे पता है कि उस टाइम पे वो प्रे कर रहा था और मैंने शांति रखी. When the photographer came out at last, I looked very grave and shook his head. तो कह रहे जब फोटोग्राफर लास्ट में आया तो वो बहुत ग्रेव लग रहा था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला. ग्रेव मतलब बहुत सीरियस लग रहा था और उसने अपना सिर हिलाया. अब यहाँ तक पढ़ के तुम्हें ये पता चला होगा, ये जो फोटोग्राफर है, जैसे नॉर्मली मैं तुम्हें पहले बता रही थी कि एक फोटोग्राफर होता है, तुम जाते हो, बैठते हो, वो तुम्हारी फोटोज क्लिक करता है और तुम्हें एडजस्ट कराता है प्रॉपरली, अपने लेंस को एडजस्ट करता है और फाइनल फोटोग्राफ लेने से पहले तुम्हें बताता है कि हाँ मैं फोटोग्राफ लेने जा रहा हूँ, और अपने जब अपर्चर को क्लिक करता है कैमरा के, तो तुम्हारे फेस के ऊपर एक लाइट आती है. बट ये जो फोटोग्राफर है, इस चैप्टर में जिस फोटोग्राफर की बात की गई है, ये क्या कर रहा है, जब इसके सामने एक पर्सन बैठा हुआ है तो ये एडजस्टमेंट्स में. हाँ जी बोलो. सब कर रही है. बोलो. बोल रहा है. लेकिन इस चैप्टर में जो फोटोग्राफर है वो क्या कर रहा है, उस पर्सन को स्टूल पे, उस पर्सन को सॉरी स्टूल पे नहीं, उस पर्सन को अपने रूम में जो है, जिस भी पोजीशन पे उसने बिठा रखा है, उसके बाद वो एडजस्टमेंट्स करने में इतना बिजी है कि वो सामने वाले को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रहा है. मतलब उसकी पोजिशन नहीं एडजस्ट करा रहा जिसकी फोटोग्राफ लेनी है, बट अपनी चीजें एडजस्ट करने में लगा हुआ है कि उसकी विंडो से जो है प्रॉपर लाइट आ जाए, या वो प्रॉपरली जो है बाहर से एयर आ जाए, तो ये चीजें एडजस्ट करने में वो लगा हुआ है. और ये चीजें भी वो जब कर रहा है, एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे फोटोग्राफर की तरह कर रहा है जो बहुत ही ज्यादा वरिड है एक फोटोग्राफ लेने से पहले. क्लियर हो गया? आगे चले. यस मैम. नेक्स्ट पेज यही है. अब कह रहे हैं द फेस इज क्वाइट रॉन्ग, ही सेड. मतलब जो हमारा जो फेस है वो बहुत गलत है. आई नो, आई आंसर्ड क्वाइटली, आई हैव ऑलवेज नोन. तो कहता है जो पर्सन था जो अपनी फोटोग्राफ के लिए गया था, वो कहता है हाँ मुझे पता है, और ये बात उसने बहुत आराम से बोली ताकि किसी को सुनाई ना दे. ही साइड, मतलब उसने एक लंबी सांस ली. आई थिंक, ही सेड, द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल. आई एम श्योर इट वुड, आई सेड एंथुसियास्टिकली, फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड द मैन हैड अ सच ह्यूमन साइड टू हिम, सो वुड योर्स. तो उसने क्या बोला कि मुझे ऐसे लगता है भाई तुम्हारा जो फेस है इट शुड बी 3/4 फुल, मतलब ये पतला पतला होगा. तो कह रहा है कि तुम्हारा फेस ना 3/4 फुल होना चाहिए था, एंड आई एम श्योर इट वुड. तो कह रहा है कि आई एम श्योर कि ऐसा होता, मैंने एंथुसियास्टिकली बोला, मतलब बड़े जोश के साथ मैंने ऐसे बोला कि ऐसा हो सकता था. आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट मैन हैड अ सच ह्यूमन साइड टू हिम. तो कह रहा है मैं बड़ा खुश हूँ ये सब जान के कि तुम ये सब ऐसा, मतलब तुम ये मुझे बोल रहे हो. जैसे सपोज अब हमारे आसपास जितने भी लोग हमें मिलते हैं, अगर कोई ब्यूटीफुल है दूसरा नहीं है, तो ऐसा थोड़ा ना कि जो है वो दूसरे को बोलेगा, या जो खुद ही नहीं है वो दूसरे को बोलेगा कि हाँ तुम थोड़े सुंदर हो सकते थे, तुम थोड़े ऐसे हो सकते थे, वैसे हो सकते थे. क्योंकि हम सब ह्यूमंस हैं और सब ह्यूमंस के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ या कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं. सो वुड योर्स. तो क्या कहता है कि भाई तुम्हारा भी हो सकता था. ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में देखा लेसन के कि उसने ये बोला है कि जो फोटोग्राफर है वो बहुत पतला दुबला आदमी है. तो कहते हैं तुम्हारा भी फेस ऐसा हो सकता था. इनफैक्ट आई कंटिन्यूड, हाउ मेनी फेसेस वन सीज दैट आर अपेरेंटली हार्ड, नैरो, लिमिटेड, बट द मिनट यू गेट देम 3/4 फुल दे गेट वाइड, लार्ज, ऑलमोस्ट बाउंडलेस है. तो कह रहे इनफैक्ट मैं, मतलब दोबारा से मैं बोलता गया कि रोज ये लोग कितने फेसेस देखते हैं, किसी का मतलब किसी के जो अपीयरेंसेज है दे आर हार्ड, किसी का नैरो, किसी का लिमिटेड, बट द मिनट आपको ऐसा दिखता है कि दे आर 3/4 फुल, मतलब या फिर उनके जो पर्सनैलिटी है या जो फीचर्स है दे आर वेरी गुड, वाइड, लार्ज, तो उसके अंदर वो खो जाते हैं. बट द फोटोग्राफर इज सीज्ड टू लिसन. ही केम ओवर एंड टुक माई हेड इन हिज हैंड्स एंड ट्विस्टेड इट साइडवेज. अब फोटोग्राफर ने क्या किया? फोटोग्राफर एट सीज मीन स्टॉप्ड. अब फोटोग्राफर रुका ये बातें सुनने के लिए, फिर वो मेरी तरफ आया और उसने मेरे हैंड्स को अपने हाथों से ट्विस्ट किया साइडवेज. ट्विस्ट मतलब मोड़ना.
आई थॉट ही मेंट टू किस मी एंड आई क्लोज माई आईज. तो उसे क्या लगा, एज इफ इसने मेरा फेस पकड़ा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुझे किस करेगा, तो मैंने अपनी आईज बंद कर ली. बट आई वॉज रॉन्ग. तो कहते हैं मैं गलत था. He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. तो इसने क्या किया, उसके फेस को पकड़ा, ट्विस्ट किया, मतलब इधर घुमाया या दूसरी डायरेक्शन में घुमाया, और फिर उसने क्या किया, मेरी तरफ देखने लगा. He sighed again. उसने दोबारा से एक लंबी सांस ली. I don't like the head, he said. तो उसने क्या बोला, भाई मुझे तुम्हारा हेड जो है बिल्कुल पसंद नहीं है. Then he went back to the machine and took another look. तो वो दोबारा से जो है मशीन की तरफ गया और उसने एक और लुक जो है डिसाइड किया होगा. ओपन द माउथ अ लिटल. तो उसने क्या बोला, अपना मुंह खोल लो थोड़ा सा. आई स्टार्टेड टू डू सो. तो इसने करना शुरू कर दिया, जो पर्सन अपनी फोटोग्राफ क्लिक कराने आया था. क्लोज इट ही एडेड क्विकली. तो उसने एकदम से बोल दिया बंद कर लो, क्लोज इट. देन ही लुक्ड अगेन. और उसके बाद दोबारा से उसने मेरी तरफ नोटिस किया. द ईयर्स आर बैड, ही सेड. Drop them like a little more. तो क्या कहता है कि तुम्हारे कान बहुत गंदे हैं. अपने कानों को रेज करने की बजाय, मतलब उसने अगर अपने फेस को ऐसे कर रखा था तो कह रहा है ड्रॉप कर लो, नीचे की तरफ कर लो. थैंक यू. तो वो पर्सन बोलता है थैंक यू. नाउ द आईज, रोल देम इन अंडर द आईलिड्स. तो कह रहा है अब तुम्हारी, अब उसने आंखों के ऊपर पॉइंट आउट किया. तो कह रहा है तुम्हारी जो आईज है उनको रोल कर लो अपनी आईलिड्स के नीचे. Put the hands on the knees, please, and turn the face just a little upwards. तो कह रहा है अपने हाथ जो है अपनी knees पे, अपने घुटनों पे रख लो और अपना face थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है turn कर लो. Yes, that's better. तो कह रहा है हाँ ये अच्छी position है. Now just expand the lungs. अब वो क्या कह रहा है, अपने lungs को expand करो. मतलब कि जो तुम्हारे अंदर फेफड़े हैं, lungs हैं, उनको थोड़ा सा expand करो. So and bend the neck. और क्या बोलते हैं, अपनी neck को, गर्दन को bend कर लो. Just contract the face. और अपने फेस को थोड़ा सा अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर लो. इट्स जस्ट अ लिटिल बिट टू फुल. तो क्या कह रहा है, तुम्हारा फेस, क्योंकि तुमने, अगर तुम इतनी बड़ी सांस लोगे, अपने लंग्स को जो एक्सपैंड करोगे, जैसे जो प्राणायाम करते हैं लंग्स को एक्सपैंड करोगे तो फेस भी थोड़ा सा एक्सपैंड होता है. तो कह रहा है जब तुम ये कर रहे हो, अपनी नेक को नीचे रखो और तुम्हारा फेस, जो तुम्हारा जो फेस है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपैंड हो गया, उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करो. बहुत ज्यादा फुल अपीयर हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा भरा भरा लग रहा है. I swung myself around the stool. तो कह रहा है स्टूल के आसपास जो है मैं swung, मतलब हिल डुल रहा था. Stop, I said with emotion, but I think with dignity. This face is my face. तो इस पर्सन ने क्या बोला, स्टॉप. जो पर्सन बैठा हुआ था स्टूल पे उसने बोल दिया स्टॉप, कि भाई रुक जाओ. मैंने पूरे इमोशंस के साथ बोला. I think with dignity, मतलब मैं पूरी जो है डिग्निटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये बात बोल रहा हूँ. This face is my face. भाई ये फेस मेरा फेस है, इट्स नॉट योर्स. ये तुम्हारा फेस नहीं है बल्कि ये मेरा है. आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 years. तो कह रहे 40 साल मैं इसी फेस के साथ रहा हूँ. आई नो इसमें फॉल्स है, आई नो इट्स नॉट ब्यूटिफुल. और मुझे ये भी पता है कि मेरा फेस ब्यूटिफुल नहीं है, मतलब अपीयरिंग नहीं, कोई अपील नहीं है. आई नो इट्स नॉट मेड फॉर मी. वो कहते हैं कि आई नो कि ये मेरे लिए नहीं बनाया गया है, बट फिर भी ये मेरा फेस है. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ अ ब्रेक इन माई बॉडी. I was conscious of a break in my voice. तो कह रहे हैं जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरी वॉइस में एक ब्रेक आया. But I went on. I was conscious of break in my voice, but I went on. तो कह रहे हैं जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरी वॉइस बीच में, जैसे अगर तुम्हें कोई डांटता है या तुम्हें कुछ कहना है कहीं पे तो तुम्हारी वॉइस में थोड़ी सी शेकिंग होती है, मतलब डर लगता है, बट फिर भी अगर हिम्मत जुटाते हो तो बोल देते हो. तो कह रहे हैं ऐसे ही ये जो पर्सन है वो कह रहा है कि मेरी वॉइस में एक ब्रेक आ रहा था, बट फिर भी मैं बोलता चला गया. सच एज इट इज आई हैव लर्नड टू लव इट. तो कह रहा है कि मेरे जो आईज पे, ईयर्स पे और फेस पे जो ये फोटोग्राफर कमेंट कर रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मेरे भी एक डिग्निटी है, मेरे भी एक रिस्पेक्ट है, तो इसलिए मैं ये सब सुन नहीं पाया और मैंने उसको बता दिया. And this is my mouth, not yours. और वो कह रहा है ये मेरा मुंह है, तुम्हारा नहीं है. ये ears भी मेरे हैं. And if your machine is too narrow, here I started to rinse from the seat. तो कह रहा है अगर तुम्हारी मशीन इतनी नैरो है कि उसमें मेरा फेस फिट नहीं आ रहा या मेरे ईयर्स अच्छे नहीं लग रहे या ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो आई डोंट, मतलब माइंड, बट ये सब मेरा है और इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा. Snick. The photographer had pulled the string. Photograph was taken. तो उसके बाद वो क्या बोलता है, एकदम से बोला उसने स्निक और उसने फोटोग्राफ ले ली
और स्ट्रिंग पुल की और कह रहे फोटोग्राफ ले ली गई है. आई कुड सी द मशीन स्टिल शेकिंग फ्रॉम द शॉक. आई थिंक सेड द फोटोग्राफर विद अ प्लीज्ड स्माइल दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन. तो ये फोटोग्राफर क्या कहता है, और जो पर्सन था जो बैठा हुआ था वो कह रहा है कि मैंने देखा भाई जो फोटोग्राफर की मशीन थी वो शेक हुई, उसमें मतलब फोटोग्राफ ले ली गई. जैसे जब तुम्हारी फोटोग्राफ क्लिक होती है एकदम से जो आवाज़ आती है थोड़ा सा कैमरा जो है हिलता है, तो कह रहे हैं वैसे ही मैंने नोटिस किया कि मेरी फोटोग्राफ ले ली गई है. आई थिंक सेट द फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर कहता है कि मैंने तुम्हारी फोटोग्राफ ले ली है एक स्माइल के साथ, एंड जस्ट इन मोमेंट ऑफ एनिमेशन मतलब थोड़ी देर में ही मैंने तुम्हारी जो है फोटोग्राफ ले ली है तुम्हारे फीचर्स को करेक्ट करते हुए. So I said bittingly, features, you didn't think I could animate them, I suppose, but let me see the feature. तो वो क्या कहता है, फोटोग्राफर कहते हैं भाई तुम्हारे तो कोई फीचर्स नहीं थे लेकिन मैंने उसमें अपनी एनिमेशन करके जो है उसे अच्छा बना दिया है. तो पर्सन बोलता है कि ठीक है मैं भी देखता हूँ कैसी पिक्चर आई है. ओ देर इज नथिंग टू सी येट ही सेड, आई हैव टू डेवलप द नेगेटिव फर्स्ट. तो क्या कहता है, अभी तुम नहीं देख सकते, अभी मुझे इसके नेगेटिव्स डेवलप करने पड़ेंगे, और जब मैं नेगेटिव्स डेवलप कर लूंगा उसके बाद तुम फोटोग्राफ देख सकते हो. कम बैक ऑन सैटरडे एंड आई लेट यू सी अ प्रूफ ऑफ इट. तो कह रहे सैटरडे को आना और इसके बाद मैं तुम्हें एक प्रूफ दिखाऊंगा कि तुम्हारी फोटोग्राफ कैसी लग रही है. क्लियर हो गए दो पेज? अगर किसी को डाउट है तो बताओ किसी भी पैराग्राफ में. लास्ट पेज, ऑन सैटरडे आई वेंट बैक. अब कह रहे हैं मैं सैटरडे को दोबारा से गया अपनी फोटोग्राफ्स लेने के लिए. द फोटोग्राफर बेकंड मी ऑन, और जो फोटोग्राफर था वो मुझ पे जो है फोटोग्राफर ने सॉरी मुझे बुलाया था. बेकंड मी मतलब बेकंड मतलब बुलाना. आई थॉट ही सीम्ड क्वाइटर एंड ग्रेवर देन बिफोर. तो उसे लग रहा है कि पहले से भी ज्यादा फोटोग्राफर जो था वो क्वाइट था. आई थिंक टू देयर वाज अ सर्टेन प्राइड इन हिज मैनर. तो कह रहे मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो है वो प्राइड लेता है, मतलब वो जो है इस बात पे प्राइड लेना मींस थोड़ा सा घमंड करता है कि हाँ वो एक फोटोग्राफर है. ही अनफोल्डेड द प्रूफ ऑफ अ लार्ज फोटोग्राफ एंड वी बोथ लुक्ड एट इट इन साइलेंस. तो कह रहे उसने फोटोग्राफ मुझे दिखाई और हम दोनों उसकी तरफ देख रहे थे पूरी साइलेंस में. इज इट मी आई आस्क्ड. तो कह रहे क्या ये मैं हूँ. Yes, he said quietly, it's you. And he went on looking at it. तो उसने कहा हाँ ये तुम ही हो. और फिर जो पर्सन था वो फोटोग्राफ की तरफ देखता रहा. The eyes, I said hesitatingly, don't look very much like mine. तो कहता है ये आँखें भाई, उसने hesitatingly बोला और कह रहे ये तो मेरी आँखों की तरह नहीं दिखती. Oh no, he answered, I have retouched them. They come out splendidly, don't they? तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इन पे एक रीटचिंग की है, मतलब मैंने इनमें कुछ चेंजेस किया है और तुम्हें नहीं लग रहा कि अब ये ज्यादा अच्छी लग रही है. फाइन आई सेड, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट. तो कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, बट ये जो आईब्रोज है ये तो मेरी नहीं है. नो सेड द फोटोग्राफर विद अ मोमेंटरी ग्लैंस एट माई फेस, आईब्रोज आर रिमूव्ड. तो क्या पता चलता है कि उसकी फोटोग्राफ से उसकी जो आईब्रोज है उसी को ही रिमूव कर दिया उसने. तो कह रहे मतलब उसकी जो पर्सन है वो कह रहे फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कि ये आईब्रोज तो मेरी नहीं है, और फोटोग्राफर जो है उसके फेस की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आईब्रोज को मैंने रिमूव कर दिया. वी हैव अ प्रोसेस नाउ फॉर पुटिंग इन न्यू वंस. तो कह रहे अब हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम पर्सन की पुराने फीचर्स को चेंज करके नए फीचर्स एड ऑन कर सकते हैं. तो हमने क्या किया है, इसके अंदर न्यू फीचर ऐड किया है. यू विल नोटिस हियर वी हैव अप्लाइड टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो. तो कह रहे हैं यहाँ हमने कौन सा फीचर ऐड किया है कि जिससे तुम्हारे सारे के सारे जो हेयर आईब्रोज के वही उड़ा दिए. आई डोंट लाइक द हेयर लो ऑन द स्कल. तो कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यहाँ से तुमने मेरे हेयर रिमूव कर दिया है. ओ यू डोंट यू आई सेड. नाउ नो ही वेंट ऑन, आई डोंट केयर फॉर इट, आई लाइक टू गेट द हेयर बैक फर्दर एंड मेक आउट अ न्यू ब्रो लाइन. तो कहते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई डोंट केयर तुम्हारे पास कोई भी फीचर हो, बट मुझे ये चाहिए कि मेरे जो आईब्रोज के हेयर थे यहाँ पे वो बैक हो विद अ न्यू ब्रो लाइन. व्हाट अबाउट द माउथ, आई सेड विद अ बिटरनेस दैट वाज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर, इज दैट माइन. तो अब वो माउथ की बात करता है और कहता है आई सेड विद अ बिटरनेस मीन्स एक कड़वाहट के साथ उसने पूछा कि जो ये माउथ है ये मेरा ही माउथ है. इट्स एडजस्टेड अ लिटल ही सेड, योर्स इज टू लो. तो कहते तुम्हारे माउथ को भी मैंने एडजस्ट कर दिया, तुम्हारा माउथ तो बड़ा लो है. आई फाउंड आई कुडंट यूज इट. तो कहते मैं तुम्हारे माउथ को यूज नहीं कर सकता था इसलिए मैंने माउथ भी चेंज कर दिया.
The ears, though, I said, strike me as good likeness. They are just like mine. तो कहते हैं ears, ears तो तुम्हारे जैसे ही है ना. Yes, said the photographer thoughtfully. That is so. But I can fix that all right in the print. We have a process now for removing the ears entirely. I'll see if. तो कहते हैं कि अब हमारे पास एक और प्रोसेस है जिसमें हम ईयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं. तो जब मैं फाइनल तुम्हें प्रिंट दिखाऊंगा, मैं देखूंगा कि मैं क्या करता हूँ. लिसन, आई इंटरप्टेड, ड्रॉइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स इन टू द फुल एक्सटेंट. तो कहते हैं मेरी बात सुनो. एनिमेट करना मतलब रीएनिमेट करना, मतलब जब तुम एक फ्रेश फीचर देते हो किसी को, मतलब फ्रेश चेंज करते हो किसी चीज में. जैसे तुम सपोज तुमने कोई फोटो क्लिक कराई और फोटोग्राफर ने तुम्हारे फोटोग्राफ के अंदर, तुम गए थे एक सिंपल शर्ट पैंट में, लेकिन फोटोग्राफर ने तुम्हारी फोटो को रीएनिमेट करके तुम्हें कोट पैंट में तुम्हारी फोटोग्राफ क्लिक करके दे दी. सो दैट इज कॉल्ड रीएनिमेशन. तो कह रहे मैंने उसे इंटरप्ट किया, मैंने उसे बोला कि मेरे फीचर्स को एनिमेट करने की कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा. एंड स्पीकिंग विद द बिटरनेस दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट. और कह रहे मैंने इतनी तेज और इतनी कड़वाहट से बोला कि वो मैन उसी टाइम पे ब्लास्ट हो जाता. आई केम हेयर फॉर अ फोटोग्राफ, अ पिक्चर, समथिंग विच हैड, समथिंग विच बैड दो इट सीम्स वुड हैव लुक्ड लाइक मी. तो कह रहे मैं यहाँ एक फोटोग्राफ क्लिक कराने आया था, एक पिक्चर क्लिक कराने आया था, चाहे वो जैसी भी होती लेकिन वो पिक्चर मेरी होती. I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me. तो कह रहे हैं मैं ऐसी पिक्चर क्लिक कराने आया था जैसा फेस भगवान ने मुझे दिया है, जैसा फेस उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है हेवन से, वैसा ही फेस मैं चाहता था कि मेरी पिक्चर में हो. Humble though the gift may have been. तो कह रहे हैं आई एम वेरी हम्बल कि जो गिफ्ट भगवान ने मुझे दिया है मैं उसको एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो तुम ये सब क्यों चेंजेस कर रहे हो. I wanted something that my friends might help. Might keep after my death. तो ये person photograph क्यों click कराने आया था, क्योंकि ये चाहता था जब इसकी death हो जाए तो ये photograph इसके friends के पास रहे और वो इसे याद रखे. तो वो कह रहे हैं कि मैं ये चाहता था कि जो मेरे friends है वो मेरी photograph रखे and जब मैं मर जाऊँ तो वो मुझे याद कर सके मेरी photograph को देख के. To reconcile them to my loss. तो कह रहे हैं कि जो भी ये लॉस होता जब उसकी डेथ हो जाती तो उसकी फैमिली जो ये लॉस सफर करती, उसके बाद जब ये फोटोग्राफ उसके फ्रेंड्स के पास होती तो वो उसे देख सकते थे. इट सीम्स दैट आई वॉज मिस्टेकन. तो कह रहे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी. व्हाट आई वांटेड इज नॉट डन. जो मैं चाहता था वो तो हुआ नहीं. कम गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क. तो कह रहे तुम अपना ये गंदा काम करते रहो. ब्रूटल मतलब जिसमें आपको बिल्कुल दया नहीं आती. Take your negative or whatever it is you call it. Dip it in anything you like. Remove the eyes, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie and reconstruct the waistcoat. So kya keh rahe? Take your negative, matlab tum negative nikal lo apni photograph ke. Whatever it is, matlab tum jo bhi use bulate ho, usko jis bhi chemical mein tum dip karte ho negatives nikalne ke liye, eyes ko remove kar dena, mouth ko correct kar dena, face ko adjust kar dena. लिप्स को रिस्टोर कर देना, मतलब लिप्स जो है जैसे तुम चाहते हो वैसे बना देना, और पूरे का पूरा रीएनिमेशन कर दो, और मेरी जो नेक टाई है उसमें भी, और रिकंस्ट्रक्ट कर दो वेस्ट कोट को भी, और दोबारा से मेरे जो जो मैंने कपड़े भी पहने हैं उसको भी रिकंस्ट्रक्ट कर लो. जो तुमने करना है वो करो. कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस. और क्या करो, कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस मीन्स उसको पूरा कोट कर दो. कोट कर दो मीन्स उसके ऊपर एक टच डाल दो ग्लॉस यानी शाइन का, उसमें शेड कर दो. Gild it till even you acknowledge that it is finished. तो कह रहे जब तक तुम्हें लगता नहीं है कि ये काम पूरा हो गया तुम ये करते जाओ. Then when you have done all that, keep it for yourself. और जब तुम सब कुछ कर लो तो ये फोटोग्राफ अपने पास रख लेना. And your friends. तो तुम अपने पास रखना और अपने friends के लिए रखना. They may value it. वो इसकी value करेंगे. लेकिन मेरे लिए इसकी कोई value नहीं है. To me, it is but a worthless trifle. मतलब मेरे लिए इसकी कोई value नहीं है. ट्रिफल का मतलब होता है कोई चीज बड़ी यूजलेस होना जो किसी के कोई काम नहीं आएगी. तो कह रहे मेरे लिए बिल्कुल वर्थलेस है. आई बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट. और मैं वहां रोने लग गया और फिर मैं वहां से चला गया. तो ये तो